ओके, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास। और फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस इज कंप्लीटेड। ओके, एंड वी हैव डन हार्ड वर्ड्स एंड नॉट्स। ओके, एंड यू विल गेट बाय पीडीएफ ऑफ दिस चैप्टर हार्ड वर्ड्स एंड नॉट्स। ओके, तो अब अपन बात करेंगे एक्सरसाइज की। ओके, एक्सरसाइज की बात करने से पहले मैं आपको एक भी बात बताना चाहूँगी कि आपको जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से करने हैं। तो इसका जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ब्लैक पेन से नोट डाउन करने हैं और इसके जो आंसर्स हैं वो आपको ब्लू पेन से नोट डाउन करने हैं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। फीचर्स एट्रीब्यूट पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अगर फीचर्स हैं वो एक जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो उन जनरेशन्स, उन फीचर्स को अपन क्या कहेंगे? जेनेटिक फीचर्स। ओके, उन फीचर्स को क्या कहेंगे? जेनेटिक फीचर्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ एनी टू साइंटिस्ट हु वर्क्स इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के फील्ड में ऐसे जो टू साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वर्क किया था उनके नेम अपने को बताने हैं। तो फर्स्ट है इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था और जो फादर ऑफ जेनेटिक्स भी उनको बोला जाता है। और उन्होंने पी प्लांट पे क्या किया था? अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो फर्स्ट हो गए अपने ग्रेगर जॉन मेंडल, सेकेंड हो गए डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेरिडिटरी सिम्टम्स। ओके, जो जिन सिम्टम्स को अपन जेनेटिक फीचर्स बोलते हैं उन्हीं सिम्टम्स को अपन हेरिडिटरी सिम्टम्स भी बोल सकते हैं, आर रिसीव्ड फ्रॉम। तो ये जो हेरिडिटरी सिम्टम्स है, जेनेटिक फीचर्स है, वो अपने को किन किन से मिलते हैं, ठीक है। तो जो पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनसे भी मिलते हैं, मैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स से भी अपने को मिलते हैं, और पेरेंट्स हैं उनसे भी अपने को हेरिडिटरी सिम्टम्स मिलते हैं। तो अपना जो आंसर हो गया वो क्या होगा इसमें? ऑल। ओके, अपना आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट रिलेशनशिप डू यू हैव विद योर मदर सिस्टर। आपकी मदर की जो सिस्टर है, आपको पता है आपकी मदर की जो सिस्टर है उसको आप क्या कहोगे? उसके साथ आपका जो रिलेशंस है वो कैसा रिलेशंस है? आप क्या कहोगे उनको? मौसी जी। ओके, तो आपका रिलेशन क्या हो गया उनसे? मौसी जी का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ए जॉइंट फैमिली एंड ए न्यूक्लियर फैमिली। तो अपने को इसमें क्या करना है? जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, उसमें डिफरेंस बताना है। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जॉइंट फैमिली की। ए फैमिली वेयर द ऑल फैमिली मेंबर्स, ठीक है, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे जितने भी अपनी फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं? लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं। लाइक कौन कौन हो सकते हैं उनमें? ग्रैंड पेरेंट्स, मदर, फादर, अंकल, आंट एट्सेट्रा, ये सारे जो लोग हैं वो आपके साथ एक साथ रहते हैं, ठीक है, एंड देयर चिल्ड्रंस, और उनके जो चिल्ड्रंस हैं वो भी आपके साथ रहते हैं। दिस टाइप ऑफ फैमिली आर नाउन एज जॉइंट फैमिली। तो इस टाइप की जो फैमिली होती है उसको क्या कहेंगे अपन? जॉइंट फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट अपना है न्यूक्लियर फैमिली। तो जो न्यूक्लियर फैमिली है, ओके, ए फैमिली वेयर ओनली पेरेंट्स, ठीक है, एक ऐसी फैमिली जहाँ पे ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन और उनके बच्चे रहते हैं, लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे जो पेरेंट्स है और उनके बच्चे सिर्फ वो ही एक साथ रहते हैं, बाकी फैमिली का कोई भी मेंबर उनके साथ नहीं रहता है। दिस टाइप ऑफ फैमिली आर नाउन एज ए न्यूक्लियर फैमिली। तो इस तरह की जो फैमिली होती है उसको क्या कहेंगे अपन? न्यूक्लियर फैमिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर रिलेशनशिप विद योर मदर्स ब्रदर इज दैट ऑफ। ओके, आपको क्या करना? आपके मदर के जो ब्रदर हैं, ठीक है, मदर के जो ब्रदर हैं कौन हो गए? आपके मामा जी, उनका आपके साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है? रिलेशनशिप विद योर, आपका रिलेशन पूछा है इसमें आपके मामा जी के साथ में, ठीक है। तो वो आप उनके क्या हो गए? नेफ्यू, ठीक है। देन आवर राइट आंसर इज नेफ्यू ए। ओके, फादर ऑफ योर फादर इज, आपके फादर के जो फादर हैं उनको क्या कहोगे आप? ग्रैंड फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
योर रिलेशनशिप विद योर फादर्स ब्रदर इज दैट ऑफ, आपका जो रिलेशन है आपके फादर के ब्रदर के साथ में, ठीक है, तो वो आपके क्या हो गए, पैटर्न एंड अंकल. ओके, देन आवर राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए न्यूक्लियर फैमिली चिल्ड्रेन आर ब्रोट अप बाय. न्यूक्लियर फैमिली के अंदर जो चिल्ड्रेन होते हैं उनको ब्रोट अप कौन करते हैं, आपको पता है न्यूक्लियर फैमिली है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली है तो वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड मदर और ना ही कोई मैटरनल पेरेंट्स वहाँ पे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो चिल्ड्रेंस हैं उनको ब्रॉट अप कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा, उनकी टेक केयर कौन करेगा, तो ओनली पेरेंट्स ही हैं तो कौन करेंगे, ओनली पेरेंट्स ही करेंगे, ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनलिस्ट मेजर रीजंस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज. अपने को क्या करना है, जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, ठीक है, वो जो जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली जो बनती है उनके रीजंस अपने को बताने हैं, ठीक है, तो इसमें अपने पास कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, अपने पास रीजन बहुत सारे होते हैं बट इसमें अपन ने कुछ ही रीजंस है उसके बारे में अपन बात करेंगे. तो एक हो गया फॉर एम्प्लॉयमेंट, इट मींस अगर किसी गांव में कोई रह रहा है उसके पास जॉब नहीं है, फिर वो अच्छे से कमा नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, तो उसकी जो जॉइंट फैमिली थी वो क्या हो गई, न्यूक्लियर फैमिली बन गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हायर एजुकेशन, जो हाई एजुकेशन हैं उसके लिए भी आपको छोड़ना पड़ता है, जैसे गाँव वगैरह में क्या होता है कि आपको पूरी एजुकेशन है वो नहीं मिल पाती, ओनली प्राइमरी एजुकेशन ही आप वहाँ से ले सकते हो, आगे की एजुकेशन अगर आपको करनी है तो आपको वहाँ से क्या करना होगा, मूव आउट करना होगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, सिटीज में आपको जाना होता है, ठीक है, तो ये हो गया फॉर हायर एजुकेशन. और नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है, लार्ज नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है, अगर एक फैमिली में क्या हो, लार्ज नंबर हो, ठीक है, बहुत सारे अगर पीपल हो, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हो, तो वहाँ क्या होता है कि उनकी जो हैबिट्स होती हैं, ठीक है, उनकी हैबिट्स होती हैं और उनका जो रहने का तरीका होता है वो क्या होता है, सबका अलग अलग होता है, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से भी उनको अपनी फैमिली, जो जॉइंट फैमिली है उसको छोड़ के उनको न्यूक्लियर फैमिली में रहना पड़ता है, उनको उनसे अलग रहना पड़ता है, तो उनकी जो फैमिली है जॉइंट से न्यूक्लियर बन जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटिस. नेचुरल क्लाइमेटिस मैंने आपको बताया था कौन कौन से हो सकते हैं, अर्थक्वेक, ड्रॉट, ओके, फ्लड, ठीक है, ये सारे क्या है, नेचुरल क्लाइमेटिस हैं. तो अगर किसी जगह पे अगर नेचुरल क्लाइमेटिस वाली प्रॉब्लम हो गई तो आप वहाँ पे फिर नहीं रह पाओगे, इसलिए आपको क्या करोगे, आपको क्या करना होगा, उस जगह को छोड़ के आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा, ठीक है, तो उस वजह से भी आप क्या, आपकी जो जो जॉइंट फैमिली है वो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी. ओके, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुक एट द पिक्चर बिलो द आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी. अब आपको ये देखना है कि ये जो पिक्चर आपको दी हुई है, ठीक है, वो किसकी पिक्चर है, ठीक है, तो आपको इसका जो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना. ओके, नाउ योर चैप्टर फर्स्ट इज डन एंड एक्सरसाइज ऑल्सो इज डन. और आपको ये जो वर्क है वो प्रॉपर तरीके से करना है. ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर लिखना है, फिर चैप्टर का नेम नोट करना है, फिर आप लिखोगे वर्ड मीनिंग लिखोगे, और फिर उसके बाद में आप ये नोट्स लिखोगे, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इसके जो एक्सरसाइज है वो करोगे. ओके,